नमस्कार, आप सुन रहे हैं नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं अशोक हमराही के साथ। नवरात्र उत्सव है आदिशक्ति देवी मां की आराधना का, उपासना का। प्रथमा से नवमी तिथि तक चलने वाले इस त्योहार में मां शक्ति के नौ रूपों की आराधना की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। माता दुर्गा के इन सभी नौ रूपों का अपना अलग महत्व है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे को ब्रह्मचारिणी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कूष्मांडा, पांचवें को स्कंद माता, छठे को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि, आठवें को महागौरी और नौवें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। मां शैलपुत्री माता पार्वती का ही एक स्वरूप है, जो पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र प्रजापति राजा दक्ष से आदि शक्ति भगवती की तपस्या करने को कहा। प्रजापति दक्ष ने भगवती की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस प्रकार मां भगवती ने प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम सती रखा गया। सती ने मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुन लिया था, लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को किसी भी प्रकार सती के योग्य वर नहीं मानते थे। सती के विवाह के लिए राजा दक्ष ने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में भगवान शिव को उपस्थित न देखकर सती ने शिवाय नमः कहकर वरमाला पृथ्वी पर डाल दी। तभी भगवान शिव ने स्वयं उपस्थित होकर उस वरमाला को ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रजापति दक्ष ने इच्छा के विरुद्ध सती का विवाह भगवान शिव से कर तो दिया, लेकिन मन से वो इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। एक बार प्रजापति राजा दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सती और भगवान शिव को छोड़ अपनी सभी पुत्रियों और जमाताओं को आमंत्रित किया। सती ने अपनी बहन रोहिणी को चंद्रमा के साथ विमान से जाते देखा। तब उन्हें पता लगा कि वे लोग उन्हीं के पिता दक्ष के विराट यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। सती का मन भी वहां जाने को व्याकुल हो उठा। भगवान शिव के समझाने के बावजूद सती की व्याकुलता बनी रही। तब भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। सती उल्लास से भरी पिता के घर पहुंची। उन्हें वहां देख मां को छोड़ और किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। यज्ञ में भगवान शिव का भाग भी नहीं निकाला गया। ये देख सती ने पिता को याद दिलाया तो दक्ष ने क्रोधित होकर सती और भगवान शिव को कठोर शब्द कहे। इस अपमान से दुखी होकर सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला। सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ उनकी पुत्री पार्वती के रूप में अगला जन्म लिया।
शैलराज के यहाँ जन्म लेने के कारण वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की ये कथा सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। गिरिनंदिनी शिवरंजनी जगवंदिनी माता जगत जननी शैलपुत्री सुखों की दाता। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूलें @ अशोक हमराही।